ताजनगरी आगरा में गर्मी अपने प्रचंड रूप पर है। लगातार तापमान 46-47 डिग्री बना हुआ है। ऐसा देखा गया था कि अगर कल की बात की जाए 24 घंटे पहले की, तो बादल जरूर छाए हुए थे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि देर शाम बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हुई। और आज फिर से नतीजा वही हुआ कि सुबह से ही कड़क धूप सामने नज़र आ रही है और गर्मी लोगों को परेशान करती नज़र आ रही है। टेम्परेचर 46-47 डिग्री है। और ऐसे में मैं इस समय SN मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि जो तीमारदार यहाँ पर पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनको कहीं पर भी पानी की कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। तमाम लोग जो यहाँ पहुँचते हैं इलाज के लिए, OPD में गरीब आदमी होता है, तो वो देखिए ये खुद अपनी पानी की बोतल लेके आ रहे हैं। ये बताइए कि गर्मी कितनी पड़ रही है इस समय, गर्मी कितनी पड़ रही है? बहुत पड़ रही है, बहुत पड़ रही है। तो पानी वानी की व्यवस्था है यहाँ पर, कहीं मिली है या अपनी बोतल लेके चल रहे हो? नहीं है, अंदर से लाए हैं। फिर अंदर से लाए हो, अंदर से भर के लाए पानी की बोतल? हाँ। तो इससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है। हाँ। गर्मी ज़्यादा है। हाँ। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए इस समय गर्मी कितनी पड़ रही है? अरे गर्मी इस समय भयंकर पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय क्या है। और हाँ अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पहले प्याव व्याई होती थी, वो भी अब नहीं है। अब प्याव व्यारा नहीं है और पानी की, ठंडे पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं पानी की। तो तीमारदार तो परेशान होता होगा, मरीज आता होगा। अपनी बोतल संग लाते हैं, पीते हैं। अच्छा, अपनी बोतल संग लाते हैं। देखिए ये शख्स भी हैं, देखिए अपनी बोतल साथ में लेके आए हुए हैं मरीज। हाँ जी, जो दिखाने आए हैं जी। हाँ, कितनी गर्मी है इस समय? बहुत ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा। तो अस्पताल में बाहर तो कहीं पानी पीने की कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ? ना कुछ नहीं। अच्छा, अंदर कहीं से नल से भरा होगा आपने? घर से लेके आया अंदर नल। अच्छा, घर से लेके आया। देखिए और लगातार हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए भीड़ देख लीजिए आप। ये भीड़ जो है वो गर्मी से जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, बीमार होते हैं, उन लोगों की भीड़ है। और लगातार OPD में संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में तीमारदारों को अगर व्यवस्था ना मिले तो एक बड़ी बात होती है, और व्यवस्था नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। और पानी का देखा जाए तो पानी का कहीं पर भी कोई भी स्रोत यहाँ नज़र नहीं आ रहा, जिससे कि थोड़ी बहुत तरावट मिल सके। तमाम लोग अपने हाथों में बोतल लेते हुए जरूर नज़र आ जाएंगे। देखिए एक अंकल आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अंकल ये बताइए किस समय गर्मी कितनी पड़ रही है? अरे भयंकर गर्मी है साहब, कल तो बहुत आराम था, आज भयंकर गर्मी है। कल तो बादल छाए हुए थे, लगता था कि पानी पड़ेगा, लेकिन पड़ा नहीं। पड़ा नहीं। तो आगरा में तो बहुत ज़्यादा है, आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, SN मेडिकल कॉलेज में मैं यहाँ बैठा इसमें देख रहा हूँ कि पहले प्याऊ थी, अब प्याऊ भी कहीं प्याऊ अंदर है, अंदर है प्याऊ, अंदर लगी हुई। हाँ, वहीं से आप लोग पानी? पानी वहीं से भरा हमने। अच्छा जी, यहाँ बाहर कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, बाहर तो मेरे को नहीं पता लगा, मैं तो पहली बार इधर आया हूँ, लेकिन अंदर प्याऊ है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि अंदर OPD जहाँ पर है वहाँ पर जरूर पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर बाहर देखा जाए तो बाहर की तरफ कोई भी प्याऊ जो है वो नज़र नहीं आती है, जो तीमारदार लोगों के साथ आते हैं। मरीज़ तो अंदर एडमिट चला जाता है, वहाँ से पानी पी सकता है, लेकिन तीमारदारों के लिए कोई भी व्यवस्था नज़र नहीं आती। और ऐसी जब भीषण गर्मी पड़ रही हो तो लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का संकट खड़ा हो जाता है। मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।